ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকার এমপি হলে মমতা ব্যানার্জি কা কহনা কি লোগো কে সাথ রহো লোগো কে পাশ রহো সেই ইলেকশনে উসমে মে দেখ রহা হুঁ অনেক মারপিট করেছিল না খাস্তা কিসি কে সাথ কোই হাদসা হো জায়ে কোই মামা ভাজা কোই চাচা ভতিজা কিসি কে ভি আপকে কোই রিশতেদার আপনারা কাছে ছিল কোই হাদসা হো জায়ে কোই অ্যাক্সিডেন্ট হো জায়ে কোই মুন্না মুন্না আপা খুন কে লিয়ে পরেশান হো জায়ে হাতে করে নিয়ে আজানে বাড়ি পৌঁছেছিল বহুত জরুরি হ্যায় কি হামলো আপনা ব্লাড ব্যাংক কো বার বার স্টক করনে পড়তে काम कर रहे हैं और दीदी के हिदायत पर कि लोगों का काम करो और उनके पास रहो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद की बात है। सादिक भाई हमारे पार्टी के मगरी बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइंडी सेल के सेक्रेटरी है, उन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाया। आज मयूरभंज रोड में इतने बड़े इलाके में कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम और हिंदी भाषाभाषी सभी लोग हैं, यहाँ तमाम लोग को देख रहे हैं, बुलाए हैं तमाम काउंसिलर यहाँ इस पूरे गार्डन रेंज और खिदीपुर के आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, यही मैसेज है कि हिंदू मुसलमान को किस तरह लेकर वो चलना जानते हैं। उनका तमाम दोस्त अहबाब आज ये हम देख रहे हैं कि यहाँ एक जो ममता बनर्जी का जो हिंदुस्तान में कंसेप्ट है कि हम सबको लेकर चलेंगे, तो वही उन्होंने मिसाल कायम किया। हम लोग मुबारकबाद देते हैं सादिक जिया भाई को। सबसे पहले तो आज बंगाल का जो सिचुएशन है, बंगाल की जो हालात है और पेंडेमिक सिचुएशन में खास कर खून हत्या कैंप पर पेंडेमिक सिचुएशन के बाद खून की कमियां हुई है, ब्लैक यूनिट बहुत कमी हो गई है, हमें चाहिए हमें इस तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैंप। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल का ये कल्चर है, बंगाल आज नहीं, बंगाल बहुत पहले से ही है खून काम ब्लैक एडिशन कैंप का ये यहाँ से किया जाता है। और खास तौर से मैं कहूँगा कि 2011 के बाद जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आज पूरे हिंदुस्तान का 30% ब्लड यूनिट बंगाल से ही दिया जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमेशा यही कहा है कि मानुषर साथे थकते हो मानुषर पासे थकते हो। तो मानुषर साथे थकते गले मानुषर काज करते हो मानुषर पासे थकते गले मानुषर सेवा करते हो। तई हमारा हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन मयूरभंज यंग सोसाइटी सादिक जिया नेतृत्व जे भाव हमारे युवाओं का ये प्रोग्राम सादिक जिया ने उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप और आई कैंप का मुनक्कद किया गया है, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इसी तरह से ये यंग सोसाइटी क्लब सोसाइटी मयूरभंज यंग सोसाइटी आगे बढ़ते रहे और हम लोग उनके साथ साना बसाना मिलाते रहे। मैं यहाँ के लोगों से यहाँ के आवाम से कहूँगा कि इस सोसाइटी को हेल्प करें और इस सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए आप इनका हाथ को मजबूत करें, इस क्लब को मजबूत करें। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रेगुलर होता है, हमेशा होता है, लेकिन यह एक ब्लड बैंक की कमी है, तो इसको सर कैसे कंप्लीट किया गया? यहाँ इस चीज का हम लोग बहुत पुराना रहा है, यहाँ एक ब्लड बैंक बनाया ममता बनर्जी के नेतृत्व में और यहाँ पे खासकर राहत हकीम के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे इस इलाका खिदरपुर वाटगंज मोरबंज सारे इलाकों को चमकाया सजाया है, उसमें मुझे कोई शक नहीं कि अगर फिराद हकीम के कानों तक ये बात जाएगी, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने ये काम को पूरा करेंगे। और मैं यहाँ से ये आप लोगों के जरिए मैं फिराद भाई से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोगों के आप लोगों ने जिस तरह से ये बात कही है, मैं उनके कानों तक मैं अगर मिलता हूं तो बताऊंगा, लेकिन उनके कानों तक जरूर पहुंची होगी और वो करेंगे। फिराद हकीम एक बहुत बड़े नेता है, हम लोगों के नेतृत्व उनके नेतृत्व में पूरी बंगाल चल रही है और इस इलाका के वो एमएलए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई काम उनके जरिए से नहीं होगा, ये मैं समझता हूँ। फिराद हकीम है तो मुमकिन है उनका काम आना। हमारे ज़िया भाई
यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम किया, उनके तमाम टीम को मुबारकबाद देंगे कि देखिए ब्लड का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आज तक पूरी दुनिया की साइंस रक्त का जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सका, इसलिए अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने हम तमाम इंसानों के जरिया ये ब्लड को प्रोडक्शन किया गया है ताकि हम इंसान को एक दूसरे को काम आ सके। तो हम सबके नेत्री ममता बनर्जी जो कहती है कि धर्म जान जान उत्सव सवार, तो ये देखिए सब उत्सव की बात है। खुशी खुशी मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि हमारी महिला, ज़्यादातर महिला ने रक्त अभी दे रही है, तो ये समझ लिए कि हमारे नेत्री ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा, उनके जो आदर्श को आदमी फॉलो करते हुए यहाँ से हम जो है, मैं बहुत शुभकामना दूंगा और इनके तमाम सादिक जा के पूरे टीम को कि रक्त का दान, इसे महादान कहा जाता है, इसका कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए इंसान का ये बहुत बड़ा कदम है, मैं इसका बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं सादिक जिया को और सादिक जिया की पूरी टीम जिन्होंने दिन रात मिलकर यहाँ पर जो काम किया और इतना अच्छे से इस प्रोग्राम को सजाया है, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जो लोगों में खून देने की जो होड़ा होड़ी है, मैंने सुना है कि 200 लोग और लाइन में अभी हैं, तो ये इन लोगों के लोगों का ही प्यार है, आपस में सद्भावना है, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब मिलकर खून देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। ये हमारे बंगाल की खूबसूरती है। इसके लिए मैं अपनी नेत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने बंगाल को सजा के संवार के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को मिला के रखा हुआ है, तो इस और साथ साथ सादिक जिया और इनके पूरी टीम मयूर भंज रहमानिया सोसाइटी के पूरे बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। कामयाब प्रोग्राम करने के लिए सर, हमेशा से आसिफ भाई और उनकी टीम ने हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है कि आने वाले मुस्तकबिल में वो ऐसे काम करते रहे, उम्मीद करते हैं। आपको शायद मालूम होना चाहिए हम लोग पूरे मजबूत बंगाल तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडरों के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए गर्व की बात है, हमारे इलाके के लीडर के अंडर में हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे तरफ से, बोलिए निजाम भाई, हम लोगों का मुकाबला रहा है क्या, आप लोगों ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है इसके बारे में थोड़ा प्लानिंग है कुछ बताएंगे? आप लोगों को जानकर खुशी होगी, इंशाल्लाह ताला जल्द हम लोग जोधपुर में ब्लड बैंक करने जा रहे हैं। आप लोगों को मदर एंड चाइल्ड केयर है, इब्राहिम हुआ है, पी जी का भी डिपार्टमेंट हुआ है, सबसे पहले हम अपने जितने मेंबर्स है रहमानिया यंग सोसाइटी के बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हम लोग इस ब्लड डोनेशन कैंप को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिए हैं और ब्लड डोनेशन के मतलब हुआ जो सामाजिक काम है और एक दूसरे की मदद करना, और हमारे प्रेसिडेंट साहब है जो शादिक जिया साहब है जो इस मैंने इस ब्लड डोनेशन कैंप पे बहुत मेहनत किए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे जितने भी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ साहब है और भी जितने भी सारे मेंबर्स हैं सब मिल के हम लोग बहुत से मेहनत करके इसे कामयाब किए हैं। शुक्रिया। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है अभी? ऐसे तो हम लोग रखे थे 100 के प्लस रखे थे, लेकिन हमारे ब्लड डोनेशन के हम इतने कामयाब हुए जो एक से डेढ़ घंटे के अंदर पे हम लोग के 100 फुलफिल हो चुके और काफ़ी सारे जितना डोनर थे उन लोग मायूस हो गए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो अगले साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये डोनर मैंने ब्लड डोनेशन कैंप के डोनर के कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के ये ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन कैंप सिर्फ नहीं बल्कि साथ ही साथ हम लोगों ने कोशिश किया है
कि जो लोग गरीब हैं और फुटपाथ पे रहते हैं, ऐसे लोगों का आँखों का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, ताकि उनको आँख का ट्रीटमेंट भी कराया जा सके, उनको चश्मा दिया जा सके। साथ ही साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, ब्लड शुगर का भी वो टेस्ट करवा रहे हैं, ताकि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप, आई कैंप और इसके अलावा शुगर टेस्ट का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडुकेशन किट्स वगैरह जो मटेरियल्स है वो ख़रीद नहीं पाते हैं, तो तकरीबन 100 बच्चों को हम लोग यहाँ पे आज वो एडुकेशन किट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गाम साड़ी और लुंगी कुछ गरीब लोगों को, सामने आने वाले ईद है, पूजा है, उसके लिए हम लोग कुछ लोगों को कपड़ा भी दे रहे हैं। और ख़ास करके हमारे रहमानिया यंग सोसाइटी का जो एक टीम वर्क है, हमारे मोरवंश के तमाम नौजवानों का जो एक टीम वर्क है, ये टीम वर्क के ज़रिए हम अपने इस प्रोग्राम को आज का जो कामयाब हुई है, इसके पीछे हमारे मोहल्ले के बुज़ुर्गों, हमारे मोहल्ले के माँ बहन, हमारे मोहल्ले के नौजवान तमाम एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म में आकर के ये काम को अंजाम दिया है। और आज हमारे पास, हम बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे पास 100 डोनर अभी अब तक आ चुके हैं और हमारे पास तकरीबन 200 लोग लाइन लेके खड़े हैं खून देने के लिए। जो कल तक लोग ये सोचते थे कि हम खून अगर देंगे तो हमें क्या होगा, हमें नुकसान होगा, लेकिन आज लोगों के अंदर ये बेदारी हटी है, आज लोगों के अंदर में ये सेंसिटाइजेशन आया है कि हम खून देने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यही ताउन, खास करके हमारे मीडिया भाई लोग भी सुबह से जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो काफ़ी हमारे साथ ताउन किए हैं, हमारे संग काम बहुत सारे लोग आए हैं। आने वाले दिन में हमारे रहमानिया यंग सोसाइटी की जानिब से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे इस इलाके में, खासकर खिदरपुर इलाके में, जो भी मुश्किल हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्या है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हम आगे आने वाला दिन उसको लेके हम लोग काम करेंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो भी लोग जिस पार्टी से, जिस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, रहमानिया यंग सोसाइटी का प्लेटफॉर्म हर इंसान के लिए खुला है, वो आए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, आए और हमारे साथ हाथ साने पे साना मिलाकर, कांधे पे कांधा मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर हम इस इलाके की तरक्की के लिए दिन पर दिन आगे बढ़ेंगे। और ख़ास करके हमारे इलाके के पौरोपिता, हमारे इलाके के जनाब MLA साहब, जो आज बहुत मसरूफियात की वजह से अभी हमारे काउंसलर को फ़ोन किए कि वो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, लेकिन आने वाले दिन रहमानिया सोसाइटी का जो भी प्रोग्राम होगा उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। हम आप लोग से भी उम्मीद करेंगे, हमारे मीडिया भाई से भी उम्मीद करेंगे कि ये प्रोग्राम जो आज खास करके एक मिक्स एरिया में हो रहा है, आप लोगों के जरिए हम लोग ये मैसेज हमारे बंगाल के आवाम को देना चाहेंगे, हमारे हर क्लब के लोगों को ये देना चाहेंगे कि हर आए हुए दिन, आज कोविड के पीरियड में जो हालात है, जो खून के हालात है, पैसे से कमी है, इसको फुलफिल करने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए हम आगे हर बढ़ के काम करें, ताकि हर आदमी का पार्टिसिपेशन हो, हर आदमी का रोल हो। और खासकर हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन इससे बड़े से बड़े पैमाने में हम काम करें। शुक्रिया। अगर आप एतमाद न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।